ठोस अवस्था। रसायन शास्त्र का पहला अध्याय। कक्षा 11वीं में आप सभी ने द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के विषय में विस्तार से जान लिया है। कक्षा 12वीं में हम ठोस अवस्था के विभिन्न गुणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में से हम सबसे ज़्यादा ठोसों के संपर्क में आते हैं, चाहे हमारे रोजमर्रा की ज़रूरतों की बात हो, दैनिक जीवन की ज़रूरतें हों या फिर औद्योगिक महत्व की बात हो। हमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ठोसों की आवश्यकता होती है। आप स्वयं देखिए, आप अपने चारों ओर धातुओं का भी उपयोग करते हैं, मिश्र धातुओं का भी उपयोग करते हैं, आप कांच का भी उपयोग करते हैं, आप सीमेंट का भी उपयोग करते हैं, आप कोयले का भी उपयोग करते हैं तो आप ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं, आप हीरे का भी उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये सभी ठोस होते हुए भी एक दूसरे से इतने भिन्न क्यों हैं? इनकी भिन्नता का कारण है इनके अवयवी कणों की प्रकृति तथा इनके बीच बंधने वाले आबंध। इसीलिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के ठोसों की आवश्यकता या ठोसों के अनुसंधान के लिए हमें ठोसों की संरचना का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इन ठोसों की संरचना तथा इनके गुणों में एक सहसंबंध होता है और इस सहसंबंध के अध्ययन के द्वारा ही आज विभिन्न प्रकार के वांछित गुणों वाले ठोसों की खोज संभव हो पाई है। उदाहरण के लिए उच्च ऊष्मीय अतिचालक, जिनकी चालकता उच्च ताप पर भी अधिक होती है, जबकि आप देखें कि जो सामान्य धात्विक चालक होते हैं वो उच्च ताप पर इनकी चालकता कम हो जाती है। इसी तरह से उच्च क्षमता वाले चुंबक या फिर जैव निम्नीकरणी बहुलक या फिर हम कहें सिलिकॉन चिप, इनकी खोज संभव हो पाई है। इतना ही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के बायो कॉम्प्लिएंट्स, जैसे कि हृदय के अंदर रोपित होने वाले पेसमेकर या फिर मस्तिष्क के अंदर रोपित होने वाली विभिन्न प्रकार की बैटरियां, ये ठोस पदार्थ ना तो समय के साथ क्षय होते हैं और ना ही ये शरीर के अंदर रोपित किए जाने पर किसी भी प्रकार का संक्रमण उत्पन्न करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ठोसों के या वांछित प्रकार के ठोसों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इनकी संरचना का ज्ञान होना कितना आवश्यक है। इस ठोस अवस्था अध्याय के अंतर्गत हम ठोसों के बहुत से गुणों, जैसे कि ठोसों के सामान्य अभिलक्षण, ठोसों का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक, इकाई कोशिकाएं या फिर विभिन्न प्रकार के ठोसों में पाए जाने वाले संकुलन, विभिन्न प्रकार की रिक्तियां, विभिन्न प्रकार के संकुलन क्षमताएं, ठोसों के विभिन्न अपूर्णताएं तथा ठोसों में पाए जाने वाले इनके कुछ विद्युतीय या चुंबकीय गुण, इन सब के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। बच्चों, ठोस या किसी भी पदार्थ की अवस्था सामान्य ताप एवं दाब पर कौन सी अवस्था स्थायी होगी, ये दो विपरीत कारकों पर निर्भर करती है। एक तो है इन पदार्थों में जो अवयवी कण हैं उनके बीच बनने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल और दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा। ये दोनों ही गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहां अंतर आणविक आकर्षण बल विभिन्न अणुओं को पास रखने की कोशिश करता है, वहीं ऊष्मीय ऊर्जा उन्हें गति प्रदान करके उन्हें दूर या फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब तापमान काफी कम होता है उस स्थिति में ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो अधिक हो जाता है और फलतः जो अवयवी कण हैं वो काफ़ी पास पास हो जाते हैं, जिससे उनकी एक निश्चित स्थिति बन जाती है और इस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी जो अवयवी कण हैं अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कुछ दोलन कर सकते हैं।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों में द्रव्यमान तो निश्चित होता ही है, साथ ही इनका आयतन तथा इनका आकार भी निश्चित होता है। इनमें अंतर अणु आकर्षण बल प्रबल होता है, जबकि अंतर आणविक कणों की जो दूरियां हैं वो काफ़ी कम होती हैं, लेकिन ये अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। और चूंकि अवयवी कणों की स्थितियां काफ़ी पास पास होती हैं, इसलिए ये अघात वर्धनीय होते हैं और साथ ही कठोर भी होते हैं। तो ये हैं ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यदि हम इनमें अंतर देखें तो सबसे पहला अंतर आता है इनके आकार का। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें इनके अवयवी कणों का एक निश्चित आकार होता है। आप देखेंगे कि इसमें सारे अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इनका आकार रैंडम होता है, किसी भी तरह से व्यवस्थित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। दूसरी ओर हम देखें जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं, बिल्कुल शार्प होते हैं। यदि कहा जाए कि किसी ठोस पदार्थ या किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक 82 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही हम इसे गर्म करना शुरू करें और 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पहुंचेगा, वैसे ही ये पदार्थ मेल्ट हो जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इनकी एक लंबी रेंज होती है। यदि किसी अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक 70 डिग्री है तो वो 60 डिग्री से मेल्ट होना शुरू होता है और आगे जाकर 80 डिग्री तक वो मेल्ट हो सकता है, यानी कि इनका गलनांक एक लंबी रेंज में होता है। तीसरा गुण यदि हम देखें तो वो है विदलन गुण। यदि क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटा जाए तो इनकी जो सरफेस होती है ये स्मूथ होती है, चिकनी होती है, है ना। जैसे कि आप लें सोडियम, है ना, सोडियम को जब हम चाकू से काटें तो इसकी जो सरफेस होगी इस पर आप आसानी से हाथ चला सकते हैं, बहुत ही चिकनी होगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, उदाहरण के लिए यदि हम कांच, है ना, कांच को यदि काटें तो उसकी जो सरफेस होती है रफ होती है, यदि हम उस पर हाथ चलाएं तो हमें लग भी सकता है। तो ये विदलन गुण इनका अंतर होता है। अगला गुण है इनकी गलन की ऊष्मा। चूंकि हमने कहा क्रिस्टलीय ठोसों के मेल्टिंग पॉइंट, है ना, गलनांक निश्चित होता है, इसलिए इनकी गलन की ऊष्मा भी निश्चित होती है। एक निश्चित ऊष्मा देने पर ये गलते हैं। इसी तरह से जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन की ऊष्मा, चूंकि इनके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं है, इसलिए इनकी गलन की ऊष्मा भी निश्चित नहीं होती है। यदि हम देखें क्रिस्टलीय ठोसों के अगले गुण में, तो इनमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है दैशिकता। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यदि हम एक इसके क्रिस्टल जालक को देखें तो आप देखें कि ऊपरी लाइन में यदि हम देखें तो यहाँ पर हर जो तत्व है वो अल्टरनेट क्रम पे दिखाई दे रहा है, ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। लेकिन यदि हम विकर्ण में देखें, यदि हम तिरछी लाइन पर देखें तो एक ही एटम ए ए ए ए की लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से हम देखें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी विभिन्न दिशाओं में जो कणों का अरेंजमेंट है वो भिन्न भिन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए इनका अपवर्तनांक, अलग अलग दिशा में देखने पर इनके अपवर्तनांक मान जो है वह भिन्न भिन्न आता है। इसी तरह से इनकी वैद्युत प्रतिरोधकता ये भी भिन्न भिन्न होती है। जबकि हम देखें कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें सारे अवयवी कण किसी भी तरह से रैंडम रूप से ये व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए सभी दिशाओं में इनके गुण एक समान होते हैं। अगला गुण है क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकृति।
वास्तव में जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो ही ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ठोस ना होकर अति शीतित द्रव या जिसे हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड के रूप में इनके गुण होते हैं। इसी तरह से हम देखें कि अवयवी कणों की प्रकृति, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अवयवी कण जैसे कि हमने पहले ही कहा एक निश्चित ज्यामिति संरचना में होते हैं और ऊपर से नीचे पूरे पदार्थ के जितना उसका क्रिस्टल लैटिस होगा है ना उसमें हम देखें तो पूरे समय हर जगह पर हमें एक निश्चित संरचना दिखाई देती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यदि कुछ समय तक रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा भी तो कुछ समय के बाद ये फिर से इररेगुलर हो जाता है ना, यानी कि ये लघु पराशी होती हैं जबकि क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ पराशी होते हैं। इसके बाद हम देखें कि सबसे बड़ा जो गुण है क्रिस्टलीय ठोसों का ये क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ये गुण नहीं पाया जाता है।